Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in this lecture series related to subject computer science grade 11 according to the syllabus of Federal Board of Intermediate and Secondary Education, Islamabad. This is your textbook published by National Book Foundation. I hope you all students will get benefit from these video lectures. So let's start. स्टूडेंट्स टोटल सिलेबस में 8 चैप्टर्स हैं. फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो हैं आर रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 आर रिलेटेड टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन विच वी विल स्टडी अबाउट डेटाबेसेस. सो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 1 ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. After completing this lesson, you will be able to identify computing devices, define the term computer and its basic components, define and classify types of computers, micro, mini, mainframe, super and mobile computing, differentiate between hardware, software and firmware, describe application software and system software, define the term license software, open source software, shareware and freeware, define various input-output devices and understand their working principles, differentiate between hard copy and soft copy. Students, जैसे कि हम जानते हैं that computer systems are now become part of our life. इस unit में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में सबसे पहले है कंप्यूटर की डेफिनेशन कि कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that accept data as input. हम input computer को देते हैं keyboard से, mouse से, mic से, किसी भी input devices से हम input दे सकते हैं. Performs operation as processing on data at very high speed. Operation कहाँ पर perform होंगे? Inside central processing unit at very high speed and produces the results output. उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट डिस्प्ले होगा ऑन एनी आउटपुट डिवाइस दैट मे बी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा. तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है. इज अ प्रोग्रामेबल मशीन दैट एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम्ड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इट इज प्रोवाइडेड. कि कंप्यूटर को जो भी हम लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग काम करेगा. नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर्स आर कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जैसे हमने स्टडी किया कि हम कुछ इनपुट देते हैं उसके बाद इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग होती है उसके बाद आउटपुट डिस्प्ले होता है ऑन एनी आउटपुट डिवाइस. तो कंप्यूटर कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज जिसको हम रैम कहते हैं और हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे. सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिसके जरिए नेटवर्क पे कम्युनिकेशन की जाती है इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. कंप्लीट चैप्टर्स हैं इनके बारे में. द सीपीयू इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन. जैसे कि हमने स्टडी किया कि प्रोसेसिंग जो होती है वो इनसाइड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है. तो सीपीयू क्या है? इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. और वी कैन से सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. उसके बाद है कि अ डिजिटल कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर पीपल बाय कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट. कि कंप्यूटर वही काम करता है जो हमें उसको प्रोग्राम में लिस्ट देते हैं, जो हम उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है. तो डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ प्रोसेसर्स, मेमोरीज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस.
तो जिस तरह से हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है इनसाइड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट डिस्प्ले होता है आउटपुट डिवाइसेस पे, किसी भी आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट डिस्प्ले हो सकता है। तो क्या हुआ, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। बैकिंग स्टोरेज में है कि हमारे पास मेमोरीज आ जाती हैं। बैकिंग स्टोरेज के बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या हैं? कंप्यूटिंग डिवाइसेस वो मशीनरी होती है जो डिजिटली काम करती है, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। इट मीन्स दे परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। स्पेशलाइज्ड डिजिटल सर्किटरी इनके अंदर एम्बेडेड होती है, जिसके जरिए वो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। जिस तरह से इसकी डेफिनेशन बताई गई है, ऑल मशीन कंपोनेंट्स आर डिवाइसेस दैट कंटेन एम्बेडेड स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स आर कॉल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। जस्ट लाइक एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन डिजिटली काम करती है, लेकिन इसका एक खास काम है, स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर है, स्पेशलाइज्ड इसके अंदर चिप इंटीग्रेटेड है, एम्बेडेड है, जिसके जरिए ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती है। सेम लाइक दैट डिजिटल वॉशिंग मशीन है, उसका भी एक स्पेशल काम है, डिजिटली काम करती हैं, लेकिन इनके अंदर भी एक जो चिप लगी हुई है, डिजिटल सर्किट लगा हुआ है, उसमें वो स्पेशल जो उनको काम असाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। सेम माइक्रोवेव ओवन इज आल्सो कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक टॉय दिस आल्सो कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इसके अंदर भी चिप लगी होती है, उसके अकॉर्डिंग जो भी इसके अंदर सॉन्ग या कोई भी म्यूजिक एम्बेडेड किया जाता है, तो उस वही हमेशा जब भी हम उसको प्ले करते हैं तो वो स्पेसिफिक म्यूजिक जो होता है वो डिस्प्ले होता है। सेल फोन एंड डिजिटल क्लॉक्स आर आल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो ये तो कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स है, लेकिन जितनी भी डिजिटल सर्किटरी हमारे घरों में हमारे आसपास मौजूद होती है, देट आर कंप्यूटिंग डिवाइसेस। उनके अंदर एक डिजिटल चिप लगी होती है और वो स्मार्टली उसके जरिए काम करती हैं। डिवाइसेस दैट कंटेन एम्बेडेड कंप्यूटर चिप विच अलो दीज डिवाइसेस टू डू स्पेशल कंप्यूटिंग टास्क। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ऑफ ATM machine gives banking transaction facilities. The computer of digital alarm clock set the time for alarm and manage calendar. And the computer of digital washing machine can program to wash clothes. Students, that was all about computing devices. Now we will study about basic operations of a computer. Any computer system, regardless of its size, is capable of performing following basic operations. कौन से ऑपरेशंस एवरी कंप्यूटर इज कैपेबल टू परफॉर्म? इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, आउटपुट ऑपरेशंस एंड स्टोरेज ऑपरेशंस। इनपुट ऑपरेशंस में क्या है कि एक्सेप्टिंग डेटा फॉर प्रोसेसिंग फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग ऑपरेशन में क्या होगा, परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में कौन से ऑपरेशन आ जाते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आएंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। व्हाइल लॉजिकल ऑपरेशन में आएगा इंक्लूड कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज एंड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशन में आउटपुट ऑपरेशन। आउटपुट ऑपरेशन में क्या होता है कि सेंडिंग रिजल्ट्स टू एन आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट होंगी वो आउटपुट डिवाइस के पास सेंड की जाएगी, तो उसको कहा जाएगा आउटपुट ऑपरेशन। स्टोरेज ऑपरेशन में होता है कि जब हम इनपुट होती है डेटा पे प्रोसेसिंग और उसके बाद आउटपुट में डेटा हम भेज देते हैं, और अगर हम कोई डेटा सेव करना चाहें, हार्ड डिस्क में सेव करना चाहें या यूएसबी फ्लैश ड्राइव में सेव करना चाहें, तो उस ऑपरेशन को क्या होगा, वो ऑपरेशन होगा स्टोरेज ऑपरेशन। स्टोरेज ऑपरेशन में क्या होगा कि राइटिंग डेटा टू ए स्टोरेज डिवाइस। कि प्रोसेसिंग के बाद जब आउटपुट पे डेटा आ गई, उसके बाद अगर हम कोई डेटा हार्ड डिस्क में या यूएसबी फ्लैश ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, तो वो ऑपरेशन हो जाएगा स्टोरेज ऑपरेशन। तो बेसिकली
कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम सबसे पहले क्या करता है, इज टू एक्सेप्ट डेटा थ्रू इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले क्या होगा, डेटा एक्सेप्ट होगी इनपुट डिवाइसेस के जरिए, उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए जाएगी, प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा होगी वो आउटपुट डिवाइसेस के पास भेजी जाएगी, दैट मे बी मॉनिटर और प्रिंटर। और उसके बाद अगर डेटा हम सेव करना चाहते हैं तो हम डेटा को स्टोरेज में सेव भी कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। थैंक यू एंड गुड बाय।